नमस्कार। कोयला आपको रुलाने वाला है। ये रुलाने वाला वर्ड मैं आपसे क्यों यूज कर रहा हूं? कुछ ऐसे तथ्य मैं आपके सामने आज पेश करूंगा कि अगर बहुत ही जल्दी पूरे विश्व ने और भारत ने कोयले का अगर ऑप्शन नहीं ढूंढा तो आने वाले समय में पूरे विश्व में भी बिजली का संकट पैदा हो सकता है। यहां तक कि भारत में, आधा भारत में बिजली गुल हो सकती है। ये ऐसी स्थिति हो सकती है। इसीलिए बहुत जल्दी जितना हो सके इंडिया को और पूरे विश्व को कोयले का ऑप्शन ढूंढना होगा कि कोयले के बिना भी कैसे बिजली बनाई जाए, क्योंकि कोयला तो आखिर निकलता तो धरती से ही है ना। तो कोयला कितना है यह अपन जानेंगे कि पूरे विश्व में कितना कोयला बचा है और कितने साल तक अपन कोयले से बिजली बना सकते हैं, यह आज स्थिति अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। कोयला आपको रुलाने वाला है। अब देखिए आप कितना कोयला उत्पादन हो रहा है पूरे विश्व में और उस कोयले से कितनी बिजली बन रही है। देखिए आप दुनिया में कितना कोयला उत्पादन हो रहा है हर साल और उससे कितनी बिजली बन रही है। देखिए दुनिया में हर साल 16,000 मिलियन टन कोयला उत्पादन होता है। उस कोयले में से 60 से 65% कोयले से बिजली बन रही है। 30% कोयला किस अदर यूज में आ रहा है। अब भारत की स्थिति देखिए। भारत में हर साल 760 मिलियन टन कोयला उत्पादन होता है। इससे थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एवरेज 760 मिलियन टन कोयला उत्पादन होता है। इसमें से 70 से 75% कोयला बिजली बनाने के लिए काम आता है। 70 से 75% कोयला बिजली बनाने का काम आता है। अदर 30% कोयला अदर सोर्सेज में यूज होता है। सेकंड, दुनिया में और भारत में कितने साल का कोयला बचा है। सबसे बड़ा पॉइंट नोट करने वाली बात यह है पूरे विश्व में और यहां तक कि भारत में कितने साल का कोयला बचा है। आखिर हम कितने साल तक कोयले से बिजली बना पाएंगे। देखिए दुनिया में 11.44 बिलियन टन कोयला बचा है। मैं पूरे विश्व की बात करूं, पूरे विश्व में 11.44 बिलियन टन कोयला बचा है, जो अगर इसको अपन एवरेज निकाले तो 135 इयर्स तक चल सकता है। 135 साल तक कोयला चल सकता है पूरी दुनिया में। अब अगर भारत के पास कितना कोयला बचा है ये देखिए। आवाज भारत के पास कितना कोयला बचा है। 319 अरब टन कोयला भारत के पास बचा है। 319 अरब टन कोयला भारत के पास बचा है। अब भारत के पास कितने साल तक कोयला चल सकता है। 107 साल तक, 107 इयर्स तक कोयला चल सकता है। अब स्थिति देखिए आप, यानी तकरीबन 100 साल तक कोयला चल सकता है। और अगर भारत ने अगर नया ऑप्शन नहीं ढूंढा कोयले के अलावा बिजली कैसे बनती है, अभी जनसंख्या बढ़ रही है उस स्थिति से, तो भारत को ऑप्शन ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में भारत की आधी आबादी अंधेरे में डूब जाएगी। देख लीजिए आप। थर्ड, अब ये देखिए विश्व में किस देश के पास में कितने कोयला का भंडार है। विश्व में किस देश के पास में कितना कोयला भंडार है। सबसे ज्यादा कोयला भंडार अगर है तो वो अमेरिका में है। देखिए आप, अमेरिका में 254 बिलियन टन यानी 22.3% टन कोयला अमेरिका के पास में है। सेकंड, रूस के पास में 176 बिलियन टन यानी 15.5% टन कोयला रूस के पास में है। चीन के पास 149 बिलियन टन यानी 13% विश्व का कोयला चीन के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पास में 159 बिलियन टन कोयला ऑस्ट्रेलिया के पास है, यानी पूरे विश्व का 14% कोयला ऑस्ट्रेलिया के पास में है। भारत के पास कितना कोयला है नोट करिए। भारत के पास में 107 बिलियन टन यानी 9.5% कोयला भारत के पास में है। तो ये स्थिति आज मैंने अभी बताई आपको कि क्या स्थिति होने वाली है अगर पूरे विश्व ने और भारत ने कोयले का ऑप्शन नहीं ढूंढा तो। अगर कोयला खत्म हो जाता है तो हमारे पास क्या विकल्प है, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में अभी वर्तमान में 37% बिजली कोयले से बन रही है।
अमेरिका में 70% बिजली सौर ऊर्जा और हवा से बनती है, देखिए आप, और 27% बिजली कोयले से। देखिए अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा भंडार है कोयले का, फिर भी अमेरिका को पता चल गया कि कोयला एक बेस्ट विकल्प नहीं है बिजली बनाने के लिए, इसीलिए उसने आगे कदम बढ़ा दिए हैं। अमेरिका अभी वर्तमान में 73% बिजली सौर ऊर्जा और हवा से बन रहा है, सिर्फ 27% बिजली कोयले से बना रहा है। यहाँ आप देखिए भारत की स्थिति देखिए, भारत में 55% बिजली कोयले से बन रही है। अमेरिका से भारत अभी बहुत पीछे है, और भारत को सीखना होगा, भारत को और अदर सोर्सेज ढूंढने होंगे कोयले के अलावा कैसे बिजली बनाई जा सकती है। 25% बिजली भारत में हवा से बन रही है, 12% बिजली पानी से बन रही है, और 8% बिजली अन्य सोर्स से बन रही है। अभी भारत को उस स्थिति पर ले जाना होगा कि कम से कम 80% बिजली हवा से, पानी से या सौर ऊर्जा से बन जाए। 20% भले अगर कोयले पर निर्भर रहे तो कोई बात नहीं, अगर यह स्थिति रही तो भारत में आने वाले समय में बहुत ही खराब स्थिति हो सकती है, तो अपन को और अदर विकल्प ढूंढने होंगे बिजली बनाने के लिए। आगे देखिए बिना कोयले की क्या स्थिति होगी, बिना कोयले की हम 18वीं सदी में चले जाएं, अगर कोयला खत्म हो गया तो। भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयला का खनन किया था। पहली बार इंडिया में कोयले का खनन कब हुआ था पता है आपको? ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयले का खनन किया था। तो आज आपने देखा कि कोयला अगर खत्म हो जाए तो पूरे विश्व की और भारत की क्या स्थिति हो जाए, और अपन को आने वाले समय में कोयले के भी अदर ऑप्शन ढूंढने होंगे, वरना आने वाले समय में और स्थिति खराब हो सकती है। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।